अच्छा यार, ये उसमें इंग्लिश क्लास है कौन सी, यही नहीं समझ रहा। कहीं दिख रहा रिटर्न इंग्लिश टेंस दिख रहा कहीं टेंस? क्या चक्कर है इसमें, डाल ही नहीं मैं बोल रहा हूँ, बहुत बुरा हाल है। पीछे तक दिख रहा सबको ये? चलो जी शुरुआत करते हैं टेंस से, बहुत ही बेसिक टॉपिक होता है और बैकबोन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। क्या होता है? इंग्लिश लैंग्वेज की रीढ़ की हड्डी है। अगर आपको टेंस अच्छे से आते हैं, क्या आता है टेंस, अगर आपको अच्छे से आते हैं तभी आपको आगे के टॉपिक समझ आने लगेंगे। बात समझ आ रही है? अगर आपको टेंस अच्छे से आता है तो आपको आगे के टॉपिक और अच्छे से समझ आने लगेंगे, जैसे कि टेंस पे ही बेस होगा आपका एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, पूरा 10 नंबर का आता है और आता ही आता है, ठीक है जी। अगर आपको कॉमन एरर की बात आती है, कॉमन एरर कम से कम अगर 10 कॉमन एरर आएंगे तो उसमें 2 या 3 किस बेस पे होंगे, टेंस बेस पे होंगे। 2 या 3 किस बेस पे होंगे, टेंस बेस पे होंगे। और बहुत इजी होता है, बस आपको एक एक सेंटेंस को, एक एक वर्ड टू वर्ड को आराम से पढ़ना होता है और समझना होता है कि बात कहाँ पर चल रही है, ठीक है जी। और नरेशन आएगा वो भी बेस होगा टेंस पे। समझ आ रही है सारी बातें? तो आप टेंस से शुरू करते हैं। टेंस जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा है उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा बेस को टेस्ट करते हुए चलेंगे। आपने बचपन में पढ़ा होगा प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिन वाक्यों के अंत में ता है ती है ते है, इस तरीके से नहीं चलेंगे। सिंपल हम समझते हैं बात को, प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्या बोला मैंने? प्रेजेंट सिंपल टेंस। होता क्या है, जिस सेंटेंस में कोई रूटीन एक्शन की बात हो रही हो, क्या बात हो रही हो, कोई रूटीन एक्शन, रेगुलर एक्शन, कोई ऐसा काम जिसको कोई व्यक्ति या फिर आप रोज करते हो। जैसे मैंने बोला मैं पार्क जाता हूँ, इस सेंटेंस से क्या बात समझ में आ रही है कि मैं रोज पार्क जाता हूँ। अगर मैंने बोला आपको मैं हफ्ते में एक बार जिम जाता हूँ, इससे क्या बात समझ में आ रही है आपको मेरी, कि मैं हफ्ते में एक बार, यानी कि मेरा रूटीन एक्शन है। रूटीन तो है ना, रूटीन बात से, मेरे बोलने से रेगुलर एक्शन, रूटीन एक्शन समझ में आ रहा है। तभी आप बचपन में सिखाते थे ता है ती है ते है, क्योंकि जब हम रूटीन एक्शन की बातें कर रहे होते हैं तो सेंटेंस के अंत में हिंदी में ता है ती है ते है आता ही आता है। बात समझ आ रही है? इसलिए बचपन में सिखाते थे सेंटेंस के अंत में ता है ती है ते है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, नहीं तो कुछ और होता है। इससे अब हम इंग्लिश में सीखेंगे रेगुलर एक्शन। रेगुलर एक्शन बात समझ में आ रही है? अगर महीने में भी कोई एक काम लगातार होता है, महीने में एक बार होता है पर हर महीने होता है, तो क्या होता है आपका रूटीन एक्शन होता है, रेगुलर एक्शन होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। रूटीन रोज का भी हो सकता है, वीक में 1 टाइम भी हो सकता है, मंथ में 1 टाइम हो सकता है, और ईयरली भी हो सकता है। और यूनिवर्सल ट्रूथ, कुछ ऐसी बात, इससे एक नंबर पक्का आएगा 200% में बता रहा हूं आपको। यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई ऐसी बात जो कहावत हो सकती है, पुराने ओल्ड सेइंग्स बोलते हैं ना, जो पुराने लोग बोलते हैं। मैंने बोला 2 और 2 4 होते हैं। क्या बोला मैंने? 2 और 2 4 होते हैं। एग्जाम में इस तरीके से आपसे पूछता है ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, ऐसे तरीके से, मतलब जो पुरानी कहावतें होती है उनको किसमें यूज करते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं? प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में। सेंटेंस आपको एग्जाम में इससे देखने को मिलेगा आपको 101%, किससे देखने को मिलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। और एक आपको मिलेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस से। कहाँ से मिलेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस से। बाकियों से आपको मिले, हो सकता है ना भी मिले, पर इन दोनों से तो पक्का आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसको यार उससे पीछे करना पड़ेगा कल से, है ना, ठीक है जी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आया क्या होता है? एक बार बोलो सारे, रेगुलर एक्शन और यूनिवर्सल ट्रूथ और ओल्ड सेइंग फैक्ट्स। समझ आ रही बात? ओल्ड सेइंग फैक्ट्स, ये सब क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है। सी राइट्स एवरी डे, इसकी पहचान क्या होती है? इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है?
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ क्या आता है, एस और ई एस आता है। क्या पहचान होती है इसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। याद रहेगी बात आप लोगों को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और इसका स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे, सिर्फ अभी आपने एक ही बात सीखनी है, आज आपको ये बात सीख के जानी है यहाँ से कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म जब भी वर्ब के साथ एस और ईएस लगता है, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगता है वो क्या बन जाता है, फिफ्थ फॉर्म बन जाता है। क्या बन जाता है, फिफ्थ फॉर्म बन जाता है। ये बात समझ में आई पक्का, थोड़ा आराम आराम चलेंगे ताकि बात दिमाग के अंदर घुसती जाए, और यही हमें आगे काम आनी है। ज्यादा ज्ञान काम नहीं आना, सिर्फ ये काम आना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की, आपको पता होना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर कहीं पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बात समझ में आई इतनी पक्का, इसका स्ट्रक्चर हम आगे सीखेंगे, अभी सिर्फ इतना सीख रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जब भी बात कोई बात ऐसी होती है कि बोलते समय वो काम चल रहा है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वर्क इज गोइंग ऑन। मेरी बात समझ में आ रही है, बोलते समय जो काम चल रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। अगर प्रेजेंट में बोलते समय कोई काम चल रहा है तो क्या बोलेंगे उसको, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और वर्ब पूरा क्या बनता है, इज एम आर के साथ बनता है। किसके साथ बनता है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब आपको मैंने दो बातें बताई है, दोनों आपको याद होनी चाहिए, आपको ज्यादा मास्टरी नहीं करनी है लेकिन इतना जरूर करना है कि आपको सेंटेंस देख के ये समझ में आए कि ये कौन सा टेंस है। सेंटेंस देख के क्या समझ में आना चाहिए आपको, ये कौन सा टेंस है। अगर सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखती है तो कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस या भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दोनों ही एक ही नाम है। अगर सेंटेंस में इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी दिख जाए तो कौन सा टेंस है, याद रहेगी बात आपको। अगर अब आप आगे चलते प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, मैंने मुझे बताओ, पक्का, जो पक्का हो चुका है, ठीक है जी। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कहीं पर भी सेंटेंस में आपको हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए, कहीं भी सेंटेंस में आपको हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, याद रहेगी बात आप लोगों को। और लास्ट और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां भी आपको सेंटेंस में कोई ऐसी बात समझ में आए कि कोई काम पहले से चलता आ रहा है, अभी भी चल रहा है और आगे भी पता नहीं कब तक चलता रहेगा, कोई काम पहले से चलता आ रहा है, अभी भी चल रहा है और आगे भी पता नहीं कब तक चलता रहेगा, तो वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट क्या होता है, जो काम खत्म हो गया, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, जो चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, ऐसा काम जो आधा खत्म हो चुका है अभी भी चल रहा है और आगे भी पता नहीं कब तक चलता रहेगा। बात समझ में आ रही है, इसकी पहचान क्या होगी, हैज बीन, क्या लगा होगा, हैज बीन लगा होगा, क्या लगा होगा, और आई एन जी फॉर्म लगी होगी। और एक और इसकी जो मेन पहचान है, फॉर और सिंस, इससे एरर आता है, सिंस की जगह फॉर लगा होगा, फॉर की जगह सिंस लगा होगा, बात समझ आ रही है। या फिर कोई काम होगा यहाँ पे फॉर टू आवर्स लिखा होगा, यहाँ पे बीन नहीं लगा होगा, हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगी होगी, बात समझ आ रही है। इस तरीके से आपको एरर देखने को मिलेंगे, आपको फट से समझ जाना है। अगर यहाँ पे फॉर और सिंस के साथ टेंस दिया हुआ है तो आपको बात समझ जानी है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्यों, क्योंकि कोई काम इतने समय से चल रहा है, बोलते समय भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। ये बात समझ में आई, बोला हाँ या ना, पक्का। अब चलते पास्ट की तरफ, अगर आप पास्ट की थोड़ी सी बातें जानते होंगे तो आपको पता होगा सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, कौन सी फॉर्म आती है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, कॉन्टिन्यूअस नाम से ही पता चलता है, जहां पर कॉन्टिन्यूअस दिख जाएगा आई एन जी आएगा ही आएगा, जहां पर कॉन्टिन्यूअस दिख जाएगा आई एन जी आएगा ही आएगा। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की सिर्फ एक ही पहचान होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर के साथ आई एन जी आएगा,
पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज वर्क के साथ आईएनजी आएगा और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल बी के साथ आईएनजी आएगा। ये बातें इसलिए याद रखनी जरूरी है क्योंकि जब हम एक्टिवाइज पैसिवाइज करेंगे इसको देख के हम अगली चेंज करेंगे। बात समझ आ रही है? इसको देखते हम अगला चेंज करेंगे, कौन सा किसमें चेंज होता है हम आगे सीखेंगे। अब आपने चार चीजें सीखी है। क्या सीखी है? सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म लगती है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज वर्क के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है, पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्क की थर्ड फॉर्म लगती है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान एक ही होती है कि इसमें क्या लिखा होता है, टाइम गिवन होता है। क्या गिवन होता है? टाइम गिवन होता है, फॉर और सिंस के साथ टाइम गिवन होता है। बात समझ आ गई? अब मैं बात करूं अगर फ्यूचर सिंपल टेंस की, किसकी बात करूं? फ्यूचर सिंपल टेंस की। मुझे बताओ फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान क्या होगी? उसमें विल और सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी होगी। क्या लगा होगा? विल और सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी होगी। बात क्लियर है यहां पे? और अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करूं तो उसमें क्या होगा? विल बी के साथ आईएनजी लगा होगा। क्या लगा होगा? विल बी के साथ आईएनजी लगा होगा। अगर मैं बात करूं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तो क्या होगा उसमें? बोलो जल्दी, विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी होगी। विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी होगी। अगर मैं बात करूं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की उसमें क्या होगा? विल हैव बीन, विल हैव बीन के साथ क्या लगा होगा? आईएनजी फॉर्म लगी होगी। अब हमने 12 टेंस यहां पे पढ़े बड़े आराम से। इसकी फोटो ले लो बड़े प्यार से एक बार। एक सेकेंड है, थोड़ा छोटा करो, ऊपर की तरफ करो उसको। नहीं हो पा रहा। हो गया? कहाँ गया? ठीक है जी। सिंपल प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैज बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, पास्ट सिंपल पास्ट के साथ सेकंड फॉर्म, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ आईएनजी वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, पास्ट परफेक्ट के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। और फ्यूचर सिंपल के साथ क्या होगा? विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस विल बी प्लस आईएनजी। याद रखना, ये बच्चे भूल जाते हैं और पेपर में आता ही आता है। विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट के साथ विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म और कॉन्टिन्यूअस के साथ क्या लगेगा? विल हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। कहां पर चेंज हो रहा है? हैज के बदले हैड बन गया और ये विल लग गया। क्या लग गया? विल लग गया। बात समझ आ गई? 12 के 12 की फॉर्म पता लगी आप लोगों को? टेंस की 12 फॉर्म पता लगी? अगर मैं किसी से भी पूछूं क्लास में बता पाओगे? ठीक है जी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है बोलो? आप बताओ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे पहचानेंगे? सेंटेंस को देख के हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगी होगी उसमें। क्या लगा होगा उसमें? हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगी होगी। फ्यूचर परफेक्ट कैसे पहचानेंगे भाई? हाँ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है? विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी। बात समझ आ रही है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से कैसे पहचानेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से कैसे पहचानेंगे? इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म होगी। इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म होगी। बात समझ आ रही है आपको? पास्ट परफेक्ट टेंस से कैसे पहचानेंगे? हाँ, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस से कैसे पहचानेंगे? वो भैया बताएंगे अब। अगला आपने बताना, ठीक है, बैठे रहो। आप मुझे बताओ प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस से कैसे पहचानेंगे? प्रेजेंट, ये सेंटेंस प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का कैसे पहचाना? सर,
सिंपल है। अगर सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, बताना है ना ये बात, क्योंकि इसी से ही आगे चल के नंबर जुड़ेंगे, इसी से ही हम एक्टिवाइज पैसिवाइज कर पाएंगे, इसी से हम नरेशन कर पाएंगे, इसी से हम कॉमन एरर में एरर फाइंड आउट कर पाएंगे। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, 12 की 12 चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट, आईएनजी मतलब कॉन्टिन्यूअस, कौन सा कॉन्टिन्यूअस, इज एम आर होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वाज वर होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, विल बी होगा तो आ जाओ। वर्ब की कितनी फॉर्म होती है हमने पहले बात करी है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म बोलते हैं आईएनजी फॉर्म को और फिफ्थ हम बोलते हैं एस और ई एस। किसको बोलते हैं? एस और ई एस। मैंने बोला राहुल प्लेज हॉकी, सही है बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अगला मैंने बोला राहुल प्लेड हॉकी, सही है बिल्कुल। कौन सा टेंस है ये? राहुल विल प्ले हॉकी, किस कौन सा टेंस है ये? सिंपल फ्यूचर, सही है तीनों के तीनों, तीनों में कोई डाउट तो नहीं है। चलो जी, अब हर किसी टेंस के चार पार्ट होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा है। हर किसी टेंस के कितने पार्ट होते हैं? चार पार्ट होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन चारों को कैसे पहचानते हैं वो भी मैंने आपको बताया। फर्स्ट फॉर्म होगी तो इंडेफिनेट होगा प्रेजेंट का, सेकेंड फॉर्म होगी तो पास्ट का इंडेफिनेट होगा, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी तो फ्यूचर का इंडेफिनेट होगा, आईएनजी फॉर्म होगी ईजीएमआर के साथ तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस होगा, वाज वर्ब के साथ आईएनजी होगी तो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस होगा, और फ्यूचर के साथ विल बी के साथ आईएनजी होगा तो किसका होगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा। हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म होगी तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट होगा, हैड के साथ थर्ड फॉर्म होगी तो पास्ट परफेक्ट होगा, विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म होगी तो फ्यूचर परफेक्ट होगा, हैड बीन, हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म होगी तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म होगी तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, विल हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म होगी तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। ये बात समझ में आई? ये बात आपको याद करनी है, ये पीडीएफ उससे ले लेना और आपको इसको अच्छे से रटना है, ठीक है जी, क्योंकि इसी पे हम आगे बढ़ेंगे। एक बार और देखो, टाइम बता दो मुझे एक बार। अब हम चल रहे वन बाय वन, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट टेंस इसका स्ट्रक्चर है, क्या है स्ट्रक्चर, एक बार फोटो खींच लो, इसको याद कर लेना। फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट, वैसे पीडीएफ आपको आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो, ऑब्जेक्ट अगर है तो। बात समझ आ रही है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस हो गया ये? बिल्कुल सही। अब मुझे एक बार बताओ, वर्ब आप लोगों को पता है क्या होता है? नाउन पता है क्या? अगर नाउन में हम एस जोड़ते, अगर नाउन में हम एस जोड़ते, एक सेकंड बोलो, वो मैं बताऊंगा ना, अभी आगे आएगा अभी, है ना। बस ये समझ, हमें ना ज्यादा ज्ञान नहीं देना, हमें सिर्फ ये वहां पे ये समझना है ये टेंस कौन सा है, ठीक है। वो भी मैं आगे बताऊंगा, अभी सिंगुलर के साथ सिंगुलर आता है, प्लुरल के साथ प्लुरल आता है ना, वो मैं अब आने वाला हूँ, उस पर ही आने वाला हूँ। अब देखो, पहले मुझे बताओ, नाउन में एस प्लस करते, एस और एस जोड़ते तो क्या बन जाता है? प्लुरल बनता है। और वर्ब में एस और एस जोड़ते तो, ये बात ध्यान में रहेगी। और सिंगुलर वर्ब आता किसके साथ है? सिंगुलर वर्ब आता किसके, जब भी आपका सब्जेक्ट होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट में, जब भी आपका सब्जेक्ट होगा ही सी इट नेम, ही सी इट नेम, तो उसके साथ क्या आएगा? सिंगुलर आएगा, यानी कि वर्ब के साथ एस और एस आएगा, वर्ब के साथ एस और एस आएगा। अगर सब्जेक्ट होगा आई वी यू दे तो क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब हमेशा अपने प्लुरल फॉर्म में होती है, बात याद रखना, वर्ब हमेशा अपने कौन से फॉर्म में होती है? प्लुरल फॉर्म में होती है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना होता है? इसमें एस और एस जोड़ना होता है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना होता है? एस और एस जोड़ना होता है। नाउन हमेशा अपने किस फॉर्म में होता है? सिंगुलर फॉर्म में होता है। इसमें एस और एस जोड़ने पर क्या बन जाता है? प्लुरल बन जाता है। बात समझ में आई? पक्का? वर्ब में एस जोड़ने पे वो सिंगुलर बनता है, नाउन में एस जोड़ने पे वो प्लुरल बनता है। सिंगुलर वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ एस और एस कब लगेगा? जब सब्जेक्ट होगा ही
सी इट और नेम, ही सी इट और नेम, बात समझ आ रही है? तो क्या लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ एस और ई एस लगेगा। क्लियर हो रही है बातें यहां पे? आगे चलो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर वर्ब लगता है, और प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो आपकी वाली बात अब यहां पे आई है, ठीक है जी। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो प्लुरल वर्ब लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही सी इट और किसी का भी नाम, ही सी इट और किसी का भी नाम। तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। वर्ब में एस जोड़ने पे सिंगुलर बनती है, वर्ब में एस जोड़ने पे क्या बनती है? सिंगुलर बनती है। और प्लुरल सब्जेक्ट आई वी यू दे, आई वी यू दे क्या होते हैं? प्लुरल होते हैं। इनको इनके साथ क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बात समझ आ गई? पक्का? हाँ। आई यूजुअली ईट ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट, आई यूजुअली हैव ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट, सी ड्रिंक्स वार्म वाटर विद लेमन, और अगला क्या लिखा हुआ है? सी हैज वार्म वाटर विद लेमन इन द मॉर्निंग। इससे एक एरर आता है हर बार, ध्यान से देखो, यहाँ पे इस सेंटेंस और इन सेंटेंस में कोई अंतर है क्या? दोनों सेंटेंस का पढ़ा मुझे बता, कोई अंतर है क्या? कोई भी अंतर नहीं है। क्यों? यहाँ पे जो ये हैव है ये किसका सेंस देता है? ईट का ही सेंस देता है। किसका सेंस देता है? ये ईट का। इससे पेपर में आता है हेड 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 के साथ हेड जोड़ देते हैं, बच्चा कहता है दो दो बार हेड क्यों आ गया, गलत कर देता है। बात समझ आ रही है? तो इसमें क्या समझ में आया? ये समझ में आया यहाँ पे जो हैव है ये भी किसका सेंस देता है? ईट का सेंस देता है। किसका सेंस देता है? ईट का सेंस देता है, खाने का सेंस देता है। यहाँ पे जो हैज है किसका सेंस दे रहा है? ये ड्रिंक का सेंस दे रहा है। क्लियर होगी बात? कहीं पे लिखाओ सी हैज वार्म वाटर, सी हैज वार्म वाटर विद लेमन, गलत मत कर देना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्यों हैज क्यों आया यहाँ पे? हैव भी तो आ सकता था, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में हैज और हैव लगता है। हैव कब लगता है? हैव, अच्छा हैव की पांचों फॉर्म किस किस को पता है? हैव हैड हैड हैविंग हैज। तो सी के साथ तो पांचवी फॉर्म लगती है ना, तो इसलिए क्या लगा है? हैज लगा है। इसलिए क्या लगा है बोलो? हैज लगा है। क्लियर है बात यहाँ पे? आगे देखो, इसमें एक बार बताओ कोई गलती है क्या? हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन के लिए भी क्या टेंस यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज होता है। हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन के लिए कौन सा टेंस यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट। तीनों सेंटेंस को पढ़ो, क्या सही है गलत है? टाइम कितना हो गया? 40 हो गया। तीनों के तीनों सही है ना, और तीनों के तीनों कौन से टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। यहाँ पे ई एस क्यों लगा ये बताओ? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लुरल के साथ प्लुरल वर्ब लगेगी। यहाँ पे एस क्यों लगा बताओ मुझे? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब लगेगी, और वर्ब में एस जोड़ने पे सिंगुलर बन जाता है। वर्ब हमेशा अपनी बेस फॉर्म क्या होती है? उसकी प्लुरल होती है। बात को याद रखना, बार बार बता रहा हूँ, आगे चल के बहुत काम आने वाली है। इसमें एक बार नजर मारो, गलत है कि सही है? गलत है। कौन कौन कह रहा है गलत है? ओ बेटे सारे सारे आवाज है। अगर मैं बोलूं सही है तो क्या कर लोगे? ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, 100% सही है। अब आप लोग बोलो सर अभी तो आपने बताया ऑलवेज के साथ क्या आता है, हैबिचुअल एक्शन के साथ क्या आता है, पर की फर्स्ट फॉर्म आती है, यही बताया ना मैंने अभी। अब मैं बताता हूँ ये ऐसा क्यों हुआ, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है? एक बार ये नजर मान लो, टाइम एक्सप्रेशन ऑफ हैबिचुअल एक्शन, जहाँ कहीं भी ये वाला समय दिया हो तो समझ लो ये हैबिचुअल एक्शन है। क्या है ये? हैबिचुअल एक्शन है। एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, सेल्डम, नेवर, ओकेजनली और फ्रिक्वेंटली। अब मैं बात करूंगा टाइम एक्सप्रेशन ऑफ हैबिचुअल एक्शन, और नोट कर लो, एवरी ईयर, एवरी इवनिंग, एवरी मॉर्निंग, डेली, ऑफन, यूजुअली, जनरली, वंस अ डे, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ मंथ। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, हमने यहाँ पे पढ़ा है ना, यूजुअली जब भी आता है तो
कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस होता है, बोला है। अब प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में क्या था, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पे अभी ऑलवेज आया। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, ये सही है क्योंकि जबकि ये कॉन्टिन्यूस में है, जबकि ये कॉन्टिन्यूस, ये क्यों सही है अब हम ये जान रहे हैं और यही पेपर में आएगा। अच्छा इसको पढ़ो एक बार, ये सही है गलत है, बोलो ये क्या है, सही है गलत है, ये क्या है गलत है सही है, सारे बोलो गलत है। क्या आएगा, He goes every day for a morning walk with his friends and neighbors. ये वाला गलत है, मैंने आपकी बात मान ली है, गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है जी। क्या आएगा, He goes आएगा। तो आप बोलोगे सर वो वाला कैसे सही था, वो बताओ पहले, बात समझ में आ रही है। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, पहले इसमें नजर मार लो एक बार, I often works आएगा, am हट जाएगा और ing form हट जाएगी, क्या हट जाएगा, एम हट जाएगा, इस पर क्या आएगा, वर्क्स आएगा, ठीक है जी, ऑफन वर्क होगा, है ना। हाँ इसको देखो, हार्डली टॉक्स टू मी, समझ आ रही है बातें, हार्डली टॉक्स टू मी, एक बार इसको देखो, सी सेल्डम कम्स लेट, कम्स क्यों आएगा, क्योंकि सी है, क्योंकि सी है, सी के साथ क्या आता है, वर्ब सिंगुलर आएगा, समझ आई बात। अब आ जाओ, अब मैं बताऊंगा वो वाला क्यों गलत था। हम जब ऑलवेज लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ऑलवेज लगाते हैं, दो तरीके की बातें करते हैं, कितने तरीके बातें करते हैं, दो तरीके, एक तो बात होती है हैबिचुअल एक्शन की, किसकी बात होती है, हैबिचुअल एक्शन की, और एक सेंटेंस में इरिटेशन होती है, क्या होती है, इरिटेशन। इरिटेशन से हमारा मतलब है जब भी हम किसी सेंटेंस में किसी की बुराई कर रहे हो या अपना रोज का वो रोना मचा रहे हो, होता है ना, मैं ऑफिस जाता हूँ मुझे परेशान करते हैं, मैं घर में आता हूँ मुझे बीवी परेशान करती है, तो ये क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी बात तो बता रहा हूँ लेकिन इस सेंटेंस में इरिटेशन है, किसी की बुराई हो रही है, बात समझ आ रही है। जब सेंटेंस में ऑलवेज लगा हो, जब सेंटेंस में ऑलवेज लगा हो और वो हैबिचुअल एक्शन हो, सेंटेंस में ऑलवेज लगा और वो हैबिट दर्शा रहा हो, सेंटेंस में इरिटेशन ना हो, किसी की बुराई ना हो, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। कौन सा टेंस यूज होता है, अगर उसी सेंटेंस में अगर ऑलवेज लिखा हो, उसी सेंटेंस में अगर ऑलवेज लिखा हो और वो इरिटेशन दर्शा रहा हो, क्या दर्शा रहा हो, इरिटेशन। इरिटेशन से हमारा मतलब है किसी की बुराई कर रहा हो, अपनी बुराई कर रहा हो या अपना कोई रोना मचा रहा हो, तो उसमें क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्किंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसलिए वो वाला सेंटेंस बिल्कुल सही था। अब एक बार उस सेंटेंस में जाएंगे, नीचे देखो इसको, इन दोनों सेंटेंस को देखो, कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बता दो। दोनों ही गलत हो गए, क्या कितने गलत हो गए, दोनों ही गलत हो गए। क्यों हो गए दोनों गलत, क्योंकि ये तो रूटीन एक्शन था, है ना, लेकिन इसमें कोई इरिटेशन नहीं है, लेकिन इसको किसमें बनाया, कॉन्टिन्यूस में, तो किसमें बनेगा, प्रेजेंट इनडेफिनेट में क्या आएगा, सी ऑलवेज स्पीक्स, क्या आएगा, सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। अब ये क्या है, इसमें कंप्लेंट अबाउट हर हस्बैंड, वो हमेशा ही क्या करती रहती है, अपने पति के बारे में कंप्लेन करती रहती है, ऐसा है वैसा है, पी के आता है, बच्चों को मारता है, खाना फेंक देता है, सुबह दारू पीता है, रात को रात तक पीता रहता है, तो क्या कंप्लेंट है, इरिटेशन है सेंटेंस में। मैंने आपको बताया जब ऑलवेज लगा हो और सेंटेंस में इरिटेशन हो तो किसमें बनता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनता है, किसमें बनता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो क्या आना चाहिए था, इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए थी, इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, इसलिए दोनों के दोनों ही क्या है, ये दोनों के दोनों ही गलत है। सही क्या है, सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, सी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हर हस्बैंड, बात समझ में आई। एक क्वेश्चन एक नंबर का यहां से आपको मिल सकता है, बात समझ आ रही है, क्योंकि बच्चा क्या करता है, ऑलवेज देखता है, फर्स्ट फॉर्म लगाता है, सही है जी, लेकिन क्या है, अगर सेंटेंस में इरिटेशन है तो क्या आएगा, इज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म आई, क्लियर है बात। यहां पर आगे चले,
बहुत आराम से, जैसे एक बजा मुझे बता दियो। इसको देखो एक बार, पहला ठीक है, क्यों ठीक है? क्योंकि इरिटेशन है सेंटेंस में, ये कंप्लेन कर रहा है सेंटेंस, क्या कर रहा है? शी इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज वर्क वेल, जब भी मिलते हैं अपने काम के बारे में बात करते हैं, हमें क्या करना है उसके काम से? मेरी बात समझ में आ रही है? सेंटेंस में इरिटेशन है तो क्या बनेगा? कॉन्टिन्यूस बनेगा, कॉन्टिन्यूस बना हुआ बिल्कुल सही है। ये दूसरा सेंटेंस क्या बोलता है? ही इज ऑलवेज गोइंग फॉर ए वॉक आफ्टर डिनर, अपना रूटीन बता रहा है, कोई इरिटेशन नहीं है इसमें, अपना क्या बता रहा है? रूटीन बता रहा है कि वो जो है खाना खाना हमेशा कहाँ जाता है? वॉक पे जाता है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस में नहीं होना चाहिए था, तो इसलिए ये गलत है। बात समझ में आई? पक्का सही रूप देख लो एक बार, सी ऑलवेज गोज फॉर ए वॉक आफ्टर डिनर। अब नंबर दो, पहला हमने सीख लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक रूल सीखा जो एग्जाम में आ सकता है, कि अगर ऑलवेज लगा हो तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होता है, अगर ऑलवेज लिखा हो तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं होता है, किसमें होता है? अगर उस सेंटेंस में इरिटेशन है तो क्या बनेगा? वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी बन सकता है। बात समझ में आ गई वाली? पक्का। अब नंबर दो क्या कहता है? यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट्स, मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट्स हो तो कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तीन सेंटेंस आपके सामने, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, सही बात है क्या? सही बात है। दूसरा देखो, द सन राइजेस, सही बात है बिल्कुल, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में सही बना हुआ है। नंबर तीन देखो, प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन, सही है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार पेपर में ना प्लांट्स लिख के यहाँ पे एस भी लगा देते हैं, बड़ा ध्यान देना, ठीक है ना? क्वेश्चन जो आए पिछले सालों में 20 सालों से आ रहे हैं, ऐसा कर देते हैं, ऐसा लगाते हैं, बच्चा सोचता है प्लांट्स गिव्स ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देखना एरर पाएगा, ठीक है जी? जहाँ जहाँ एरर, जैसे जैसे एरर मिलेगा मैं आपको बताता रहूँगा, उसको दिमाग में रखना, नज़र मारो एक बार। दोनों सही है, ध्यान से पढ़ लिए। द पीपल इन एंशियंट टाइम बिलीव्ड दैट द सन मूव्ड राउंड द अर्थ, है ना? आपको समझ आ रहा है? गलत, सही है, सारे गलत है। क्या गलती है भाई? ये कह रहा है पहले के लोग ऐसे बिलीव करते थे, पर सच्चाई थोड़ी सी है। क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ था? नहीं था। आज हमें पता चल चुका है फैक्ट क्या है, रियलिटी क्या है, हुआ पता चल चुकी है। पहले के लोग ऐसा विश्वास करते थे कि सूरज घूम रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, सूरज अपनी जगह पे, चंद्रमा अपनी जगह पे, पृथ्वी घूम रही है। क्या घूम रही है? अभी आप यहाँ पे थोड़ी देर बाद आप नहर पार पहुंच जाओगे, आप नहीं घूम रहे, आप बैठे रहो, पर आप पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, आप घूमते घूमते ऐसे पहुंच जाओगे, फिर घूम के आओगे। बात समझ आ रही है? तो ये पहले होता था सच, अब ये सच्ची बात नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, तो यहां पर क्या आएगा? मूव्ड आएगा। क्या आएगा? मूव्ड आएगा, क्योंकि पास्ट की बातें चल रही है। किसकी बात चल रही है? बात समझ आ रही है? अगला पढ़ो, ग्रेविटी फोर्स पुल डाउन द एवरीथिंग, ये आज भी सच है, पहले भी सच था, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, फैक्ट्स हो गया, रियलिटी हो गई, तो ये क्या बनेगा? प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस बनेगा। क्या बनेगा? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये क्या बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट। पहले के लोग सोचते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है। समझ आई बात आपको? पक्का आगे चले चले। हाँ, एक तो नहीं बजा। फिक्स्ड एक्शन इन फ्यूचर, जब कभी भी, दो रूल पढ़ लिया अब हमने, एक यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट्स, रियलिटी, पहला हमने पढ़ लिया था इरिटेशन, ठीक है जी। नंबर तीन, अब फिक्स्ड एक्शंस इन फ्यूचर, जब भी कोई ऐसा काम, जब भी कोई ऐसा काम जो फ्यूचर में फिक्स हो, जो फ्यूचर में फिक्स हो, उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। ये वाली लैंग्वेज अक्सर न्यूज़पेपर में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? न्यूज़पेपर में। अब फिक्स्ड एक्शन होता क्या है, मैं वो आपको बताऊंगा, उससे पहले कुछ सेंटेंस देखते हैं। एक बार नजर मारो फ्यूचर की, जो फ्यूचर का स्ट्रक्चर होता है क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल से प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म, पता है ना आप लोगों को? एक बार इन तीनों में नजर मारो।
तीसरे वाले में दिक्कत है? बताओ बताओ। पहला सेंटेंस है आई शैल गो टू दिल्ली टुमोरो, सही है गलत है? मैं कल दिल्ली जाऊंगा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ही विल बाय ए फ्लैट सून, खरीद सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, सही है बिल्कुल। द पीएम विल गिव अ स्पीच टुमोरो, कल देगा, मैंने बोला द पीएम गिव्स अ स्पीच टुमोरो, गलत है क्या? द पीएम गिव्स अ स्पीच टुमोरो, सही है गलत है? गलत है, सही है? कोई कह रहा सही है, कोई कह रहा गलत है, कौन कौन कह रहा सही है, मेरे हाथ खड़े करो। अगर मैं बोलूं द पीएम गिव्स अ स्पीच टुमोरो, सही है गलत है? सही है, दो बोल, तीन बोले सही है, सारे कह रहे गलत है। अगर मैं बोलूं द पीएम विल गिव अ स्पीच टुमोरो, ये गलत है सही है? हैं, ये तो सही है। और दूसरा वाला जो मैंने बोला, दोनों ही सही है। जब भी हम कोई ऐसी बात करते हैं, जब भी हम कोई ऐसी बात करते हैं जो फ्यूचर में होने वाली हो लेकिन डेफिनेट हो, जो फ्यूचर में होने वाली हो लेकिन डेफिनेट हो, उसको हम प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में भी यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? पक्का? कोई ऐसी चीज जो फ्यूचर में होने वाली हो लेकिन डेफिनेट हो, पक्का होगी ही होगी। जैसे मैंने बोला मैं अगले साल घर खरीदूंगा, मैंने बोला क्या पक्का है? क्या कोई पक्का नहीं है? क्या पता ना खरीदूं, पैसे ना हो, क्या पता उससे अगले साल खरीद लूं। लेकिन मैंने बोला अगले महीने 15 तारीख को, अगले महीने 15 तारीख को पीएम मोदी फतेहपुर में आके भाषण देंगे। फतेहपुर में आके क्या देंगे? अब बताओ पीएम जो आएगा, पीएम की जो मीटिंग होती है तीन तीन महीने की, पहले से ही डिसाइड होती है, ये बात समझ में आ रही है? पीएम अगर फतेहपुर में आएगा तो फतेहपुर विलेज की जगह फतेहपुर सिटी बन जाएगा। मेरी बात तो समझ में आ रही है? अगर एक पीएम कहीं पे जाता है तो एक महीने पहले से ही वहां पे रोड़े साफ होने लग जाती है, वहां की तैयारियां होने लग जाती है, वहां पे बहुत बड़ा पंडाल लगने जाता है, वो पंडाल एक दिन में तो लगेगा नहीं, है ना? तो अब जब पीएम जब फतेहपुर चंदीला में आएगा तो ये क्या फैक्ट है कि मेरी तरह बोला हुआ वैसे कोई भी वर्ड है? ये बिल्कुल ऐसा डेफिनेट है कि अब बोला 15 तारीख को आएगा तो आएगा ही आएगा। 0.001% चांस है कि ना आए, लेकिन 100% चांस है कि आएगा ही आएगा। बात समझ आ गई? जब ऐसा कोई फैक्ट होता है तो क्या होता है, हम फ्यूचर की बात को भी प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में दर्शा सकते हैं। आप लोग उसको गलत मत कर देना। दोनों ही सही है। अगर कहीं पे टुमोरो आएगा और लिखा होगा द प्रेजेंट गिव अ स्पीच टुमोरो, आप लोग देखो टुमोरो है, कल है, आने वाला कम है, प्रधानमंत्री कल स्पीच देगा, आप लोग क्या करोगे, विल और सेल लगा दोगे। क्या करोगे? विल और सेल लगा दोगे, जो लिखा होगा उसको काट दोगे तो आपका नंबर भी कट जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? पक्का। तो जब एक चीज और सीख ली, जब हमारी कोई फ्यूचर की बात हो और वो बिल्कुल डेफिनेट हो, पक्की हो, तो उसमें हम प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का यूज कर सकते हैं। न्यूज़पेपर अगर आप खोल के देखोगे तो उसमें फ्यूचर की बात के लिए प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का ही यूज होता है, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का ही यूज होता है। बात समझ में आई? पक्का समझ में आया? तीसरी इंफॉर्मेशन ये ओके, एक बार इसको यहाँ, कल इससे आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है? फ्यूचर के लिए याद रखना है, कल हम जल्दी क्लास शुरू करने की सोचेंगे अगर यहीं रहे तो। कर दे बात।